बिहार में बात नहीं बनी, बंगाल में बात नहीं बनी, दिल्ली में भी बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, पंजाब में भी बात नहीं बनी है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल गठबंधन के तहत साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत आखिर हो गई है। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बात तमाम रुकावटों को पार करते हुए फाइनल हो ही गई। इस संदर्भ में खुद अखिलेश यादव ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ने वाली है। ये पूछे जाने पर कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दो बार शामिल आखिर क्यों नहीं हुए, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, हाँ गठबंधन जरूर होगा, कोई विवाद किसी तरह का नहीं है, सब कुछ जल्द ही क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा, अंत भला तो सब भला। सपा अब तक बहुत सारे सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार चुके हैं, तो अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। सपा ने संभल, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, खीरी, धौरहरा, उन्नाव, लखनऊ, फरुखाबाद, अकबरपुर, बांदा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोरखपुर, कैराना, बरेली, हमीरपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, आंवला, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, प्रतापगढ़, बहराइच, गोंडा, गाजीपुर और चंदौली सीट पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इन सीटों पर अगर आप नजर डालेंगे तो सपा की पकड़ कहीं ना कहीं यहां पर मजबूत रही है। इसके अलावा पार्टी ने अमरोहा से महबूब अली और राम अवतार सैनी, कन्नौज और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और बागपत से मनोज चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंत भला सब भला तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन सीटों का बंटवारा आखिर कैसे होगा? क्या जो बची कुची सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलने वाली है या कुछ और फॉर्मूला तय होगा? दरअसल इस बात का खुलासा आज शाम 5 बजे तक हो जाएगा। 5 बजे फॉर्चून होटल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उपस्थित रहेंगे। वहीं सपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल होंगे। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में साइकिल के साथ हाथ कितनी दूर तक आगे बढ़ पाता है।